हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की सबसे चर्चित सीटों में से एक अंबाला कैंट सीट पर मुकाबला बेहद रोचक रहा। इस सीट से 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। शुरुआती रुझानों में विज आगे थे, लेकिन धीरे धीरे चित्रा ने बढ़त बना ली, लेकिन आखिर में अनिल विज ने अपनी सीट पर जीत हासिल कर ली। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि चित्रा सरवारा कहीं ना कहीं जीत सकती हैं। चित्रा सरवारा पूर्व विधायक निर्मल सिंह की बेटी हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में थी। 16 राउंड की गिनती के दौरान चित्रा लगभग 6-7 राउंड तक अनिल विज से आगे रही। चित्रा के मुकाबले को कमजोर नहीं माना गया, क्योंकि उनके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि आखिर में अनिल विज ने इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत दर्ज कर ली। अनिल विज 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा के गृह मंत्री रहे। ऐसे नेता के खिलाफ दावेदारी पेश करके चित्रा सरवारा वायरल हो गई थी। आपको याद होगा, चित्रा सरवारा कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा की टिकट की दावेदारी मजबूत भी मानी जा रही थी, लेकिन टिकट मिल गया परविंद्र सिंह परी को। चित्रा सरवारा इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रही है। उनकी शादी भी देश के मशहूर गोल्फर दिग्विजय सिंह से हुई। दिग्विजय सिंह की बहन मशहूर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह है। कहा जाता है कि चित्रा सरवारा की भूरी आंखों पर फिदा हो गए थे दिग्विजय सिंह। टिकट नहीं मिलने के बाद भी चित्रा सरवारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अनिल विज के खिलाफ, एक बड़े दिग्गज नेता है हरियाणा के, उनके खिलाफ निर्दलीय अपनी दावेदारी ठोक दी। अंबाला कैंट में नारे लगे कि चित्रा को जितवा दो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर कहा गया अनिल विज को। ढेर सारे उम्मीदवार होने के बाद भी चित्रा सरवारा ने कहा कि उनका मुकाबला अनिल विज से है। चित्रा सरवारा हर लिहाज से कांग्रेसी हैं, बस चुनाव लड़ने के लिए बागी बनी। यंग हैं, जोशीली हैं, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि बार बार टिकट से चूक जाती थी। उनके पिता निर्मल सिंह मोहरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अंबाला शहरी सीट से चुनाव लड़े। निर्मल सिंह हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं में रहे हैं। 4 बार विधायक रहे, 2 बार हरियाणा के मंत्री रहे। 2 साल पहले उन्होंने अंबाला में जलसा करके चित्रा सरवारा को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया था। कांग्रेस का धर्म संकट ये रहा होगा तब कि एक सीट से पिता कांग्रेस उम्मीदवार है, तो पड़ोस में बेटी बागी उम्मीदवार बनी। पार्टी के हित में पिता निर्मल सिंह ने बेटी चित्रा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चित्रा ने ठान लिया कि इस बार भी नहीं तो कब। अंबाला शहर से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल ने चित्रा सरवारा की कांग्रेस के खिलाफ बगावत को मुद्दा बना दिया था। कहा था कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं, ना परिवार के और ना ही पार्टी के। पिता कहता है कि कांग्रेस को जिताओ और बेटी कहती है कि कांग्रेस से मेरा वास्ता नहीं, कांग्रेस को हराओ। चित्रा सरवारा को राजनीति में आए 10 साल हो गए, कायदे से करियर चेक ऑफ हुआ नहीं। 2013 में पहली बार अंबाला नगर निगम में कॉरपोरेट का चुनाव जीता था। फिर महिला कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रही। हरियाणा महिला कांग्रेस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाई गई। 2019 में भी अंबाला कैंट सीट से कांग्रेस का टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने तब भी निर्दलीय अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। कांग्रेस से उनका मन खट्टा हुआ तो पिता निर्मल सिंह के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। हरियाणा में आपको यंग फेस की जरूरत थी, हरियाणा आपकी उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई, लेकिन साल भर में आपसे मन भर गया। पिछले साल टिकट की उम्मीद में वापस कांग्रेस में लौटी, फिर धोखा हो गया। पिता को तो टिकट मिल गया, लेकिन चित्रा का टिकट कट गया। तब जाकर फिर से अब निर्दलीय उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। उधर अनिल विज कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना है। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री होते थे, खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो नाराज होकर घर बैठ गए, मंत्री तक नहीं बने। अब वो सीएम बनने के लिए अंबाला कैंट से लड़े और सीएम बनना चाहते हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।